एनआरसी और सीएए के अगेंस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआरसी का कायदा पास किया, ये हर समाज के हर घटक के लिए अन्यायकारक है और इस कायदे को केंद्र शासन के माध्यम से रद्द कराना जरूरी है। इसके लिए जो भी हर समाज के जन सामान्य लोग हैं, इन्होंने एकजुट होकर इस कायदे का विरोध करना चाहिए। हम सब लोग ये चाहते हैं कि जो कानून ज़बरदस्ती लागू कराया जा रहा है, इसे वापस लेना चाहिए ताकि मुल्क में शांति हो और किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। हम सरकार से इल्तिमास करते हैं कि ये कानून वापस ले और ताकि मुल्क में खुशहाली आए। आज क्या धरना आंदोलन किसके लिए था? एनआरसी के ताल्लुक से शेगांव में तहसील के सामने धरना दिया गया और सारे लोग मिल करके, सारे मजाहब के लोग, हिंदू मुस्लिम भाई सब मिल करके धरना दिए और अल्हम्दुलिल्लाह धरना नहायत ही कामयाब रहा और बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुआ। कोई भी ऐसी घटना या कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे किसी अशांति हो। बड़े अच्छे तरीके से धरना कामयाब हुआ। एनआरसी और सीए को लागू कर हुकूमत इस देश के अंदर संविधान को तोड़ना चाहती है, उसके विरोध के लिए आज शेगांव के अंदर हम सभी लोग, हिंदू मुसलमान सारे समाज के लोग मिलकर सीएए और एनआरसी का पुरजोर मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और अभी हमने सिर्फ विरोध किया है, अगर वक्त की ज़रूरत पड़े और हुकूमत इससे पीछे नहीं आई तो वक्त पड़ा तो हम खून भी दे देंगे इस देश के लिए और संविधान की हिफाजत करेंगे। संविधान विरोधी सीएए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ यह जो कानून इस देश में लाया जा रहा है, इसके खिलाफ शेगांव तहसील के अंदर सर्वधर्म संभाव के लोग, सब सर्व पक्षीय नेता लोग, सभी मजहब के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए, यहाँ दिन भर सवेरे से शेगांव तहसील के सामने धरना आंदोलन किए हैं और यह कानून रद्द होना चाहिए, ये सब इस शेगांव वासियों की मांग है।